इंडिया सीए को लेकर भी एक बड़ा बयान आ गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। अमित शाह ने यह कहा है कि सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित ही आ जाएगा और चुनाव से पहले ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ही सीए को आना है, इसमें किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सांस लेना भी मुश्किल हो गया और आसपास के इलाके को धुएं के गुबार ने ढक दिया। इस बीच कुछ लोग वहां से दौड़कर भागते नजर आए। उधर भैया उधर ले चलो पाइप, उधर ले चलो आगे ले चलो पाइप। इसके बाद आनन फानन में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग वहां बड़े हिस्से को तबाह कर चुकी थी। अलग अलग टेंटों के अंदर रखा लोगों का सामान भी पूरी तरह जल गया और 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। वहां आग बुझाए जाने के बाद राख के ढेर में लोग अपना कीमती सामान ढूंढते दिखाई दिए। इस बीच मध्य प्रदेश के धार जिले में तेल की लूट का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां खाने के तेल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया और इसके बाद तो तेल लूटने की ऐसी होड़ मची कि लोग पुलिस वालों की सख्ती के बावजूद वहां से नहीं हटे। हजारों लीटर खाने के तेल से भरे उस टैंकर के पलटते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। इस दौरान जिसे जो बर्तन मिला उसने उसी में तेल भरना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बों और बाल्टियों के साथ पहुंचे। तेल लूटने के लिए ऐसी भीड़ लग गई जैसे वहां राशन बट रहा हो। इस भीड़ के बीच 2 लोग तो हाथों से ही तेल उठाकर डिब्बों में भरते दिखाई दिए। तस्वीरों में वो टैंकर सड़क के बीचों बीच पलटा दिखा। इस दौरान तेल लगातार सड़क पर बहता रहा। हालांकि टैंकर के पलटने के कुछ देर बाद ही वहां पुलिस पहुंच गई, लेकिन पुलिस वालों के मना करने के बाद भी लोग तेल की लूट करते दिखे। इस हादसे में टैंकर का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उधर तेलंगाना में महिलाओं की फ्री बस यात्रा के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार की इस योजना का वहां के ऑटो ड्राइवरों ने विरोध कर दिया और तेलंगाना में विपक्षी पार्टी बीआरएस इस मुद्दे पर ऑटो ड्राइवरों के समर्थन में खड़ी हो गई और पार्टी के विधायक ऑटो में बैठकर विधानसभा पहुंचे। तेलंगाना में विपक्षी पार्टी बीआरएस के विधायक हाथों में बैनर लेकर ऑटो से उतरे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा की वजह से ऑटो ड्राइवरों को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया। कुछ दिन पहले हैदराबाद में मुख्यमंत्री आवास के सामने एक ऑटो ड्राइवर ने एक ऑटो को आग लगा दी थी। उसने ऐसा रेवंत रेड्डी सरकार की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा वाली योजना के विरोध में किया था। उसका तर्क था कि ऐसा करने से महिलाएं ऑटो में यात्रा नहीं करेंगी। इस घटना के बाद ऑटो ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया गया था। इसके बाद तेलंगाना में विपक्षी पार्टी बीआरएस ऑटो ड्राइवरों के समर्थन में खड़ी हो गई और विधानसभा में ये मुद्दा उठाने के लिए बीआरएस विधायक ऑटो से विधानसभा पहुंचे। इधर आरजेडी प्रवक्ता ने बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के 17 महीनों के कार्यकाल का गुणगान करते हुए एनडीए में बड़े उलटफेर का दावा कर दिया। विधायक सत्ताधारी दल के जेडीयू और बीजेपी के अपनी अंतरात्मा से 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या करेंगे ये देखना होगा। बिहार में जेडीयू के सभी विधायकों को पार्टी ने पटना बुलाया। इसके अलावा विधानसभा में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार को जेडीयू की अहम बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि जेडीयू अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ऑर्डिनेंस को फाड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंका,